भाई क्या आप सरप्राइज हो? आर यू गाइस सरप्राइज कि ये बंदा अब तो रात के 10:45 को आता है, सो सडनली व्हाई ही हैज कम एट 11:15? तो मैं पहले ही बोल दूं भाई, रोज रात को मैं डिनर करके नहीं बैठता, बट आज मैंने डिनर करके बैठा है। लोग बोलेंगे भाई क्या ही ऑफ टॉपिक बात कर रहा है, बट द ट्रूथ इज आज का वीडियो लंबा चलेगा। दैट्स व्हाई मैंने खा पी के एकदम ठीक ठाक होके बैठा हूं, बिकॉज दिस विल बी अ लॉन्ग एज वीडियो एंड इट विल बी अ लॉन्ग एज वीडियो, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वी विल कवर फोर ट्रांसफर न्यूज, चार ट्रांसफर न्यूज एक दिन कवर करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कल भी चार या चार से ज्यादा ट्रांसफर शायद कवर करने को मुझे मिल सकता है। तो आई वोंट वेस्ट एनी टाइम। हमारे जो आर्मबैंड मीडिया की टीम है, वी आर वर्किंग कॉन्सिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली, एंड टूडे वॉज अ हार्ड वर्किंग डे फॉर ऑल ऑफ अस। चारों जगह से न्यूज मिल रही है एंड इवन आफ्टर दैट कल भी तीन चार न्यूज मिल सकती है। आई वोंट वेस्ट एनी टाइम, वी विल मूव ऑन टू कंटेंट आफ्टर कंटेंट आफ्टर कंटेंट। वी डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट हियर टुडे, सो गाइस चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज। निखिल पुजारी टू मुंबई, और भाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ट्रांसफर विंडो। पिछले कुछ हफ्ते महीने से यही लग रहा था कि दो ही टीम्स निखिल के लिए फाइट कर रही थी, वो है और कोई नहीं, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट। बट अब जाके पता चला ये दोनों टीम्स दोनों ही पिछड़ गई है। बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट बंगाल आर करेंटली एंड ऑल्सो बेंगलुरु आर एज सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजिशन में चले गए हैं। इट्स मुंबई सिटी एफसी, जिनका नाम पिछले हफ्ते तक नहीं लिया जा रहा था, सडनली दे आर वेरी एक्टिव और अब वो मार्केट में जा रहे हैं टू बाय निखिल पुजारी और उनके टीम में और एक नेशनल प्लेयर लेके। दिस विल बी द सेवेंथ नेशनल प्लेयर फॉर मुंबई सिटी एफसी। दे विल इक्वल मोहन बगान इन टर्म्स ऑफ नेशनल टीम प्लेयर्स। मोहन बगान मुंबई दोनों के पास विल दे विल हैव सेवन प्लेयर्स। और मुंबई क्यों खरीद रही है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि मुंबई आर लुकिंग फॉर अ जेनरेशनल गैप, क्योंकि इस सीजन में आप लोग जानते हो रॉस्टन ग्रिफिन सब चले गए हैं, सो तीरी अब डिफेंस में खेलेंगे। तीरी के साथ हमें कुछ दिन आपको देखने को मिल सके यूएल वैन नियफ, बट अगर 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 आप एक एक ही डिफेंडर को लेके सामने खेलना चाहते हो बैक में, देन यू हैव टू ट्रांसफर राहुल भेके। राहुल भेके को आपको एज अ सेंटर बैक ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अलॉन्ग विद तीरी। सो आपके पास ऑप्शन कौन बचता है? देन द ओनली ऑप्शन इन द राइट बैक पोजीशन मे बी वालपुया और मे बी अ यंग गाय। सो मुंबई वो रिस्क नहीं लेना चाहती, सो मुंबई इज गोइंग ऑल आउट फॉर निखिल पुजारी। और इस वीडियो में मैं ट्रांसफर न्यूज में कोई प्लेयर स्टाइल, प्लेयर्स प्रेडिक्शन ये सब कुछ नहीं करूंगा। आई विल गो हार्ड इन टू द फैक्ट्स एंड ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये टीम इस प्लेयर को ले रही है, क्योंकि ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द प्लेइंग स्टाइल। क्योंकि आज जो चार प्लेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वी ऑल ऑफ अस नो हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, क्या रोल उनका होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और बहुत लोग कमेंट किए हो इसके पहले, सारे कमेंट्स के आंसर मैं दूंगा, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके कमेंट इग्नोर कर जाऊंगा, और भी कमेंट करो नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट वाला फर्स्ट मैं बोल दू। देन निखिल पुजारी इज करेंटली द टारगेट ऑफ नन अदर देन मुंबई सिटी एफसी, और मुंबई सिटी एफसी के राइट बैक के पोजीशन में निखिल पुजारी अगर आते हैं देन राहुल भेके विल मूव ऑन टू द सेंटर बैक पोजीशन। क्या अभी भी किसी बाकी टीम्स के पास चांस है? यस, ईस्ट बंगाल आर स्टिल फाइटिंग विद टोज एंड नेल्स। और मार्कस ने ये भी बोल दिया है, मार्कस मरगलाव साहब ने, कि ये भी हो सकता है कि कल मुंबई इस रेस से बाहर निकल जाए और ईस्ट बंगाल या बेंगलुरु या नॉर्थ ईस्ट भी इस प्लेयर को जीत पाए, क्योंकि करेंटली निखिल पुजारी इज टेकिंग ऑल हिज ऑप्शंस, वो अपने सारे ऑप्शंस अपने हाथ में रख रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया। ऐसा भी हो सकता है कि रात के 1 बजे को आपको रिपोर्ट मिल जाए कि उनका ट्रांसफर खत्म हो गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल रात के 11 बजे हमें पता चले कि निखिल कहाँ पे जा रहे हैं। निखिल जरूर जाने वाले हैं, कहाँ पे जाएंगे वी विल नो लेटर, बट करेंटली मुंबई सिटी एफसी आर इन द पोल पोजिशन और वो अपने डिफेंस को सॉलिडिफाई करेंगे विद दिस। उनके पास नेशनल टीम के जो दो फुल बैक्स है दैट इज नन अदर देन निखिल पुजारी एंड आकाश मिश्रा, दोनों ही उनके पास रहेंगे और उनका डिफेंस एक फॉर्मिडेबल इंडियन लाइनअप होगा अलॉन्ग विद तिरी। और हमें तो ये भी पता चला है और एक बड़ा ट्रांसफर होने वाला है, वो भी हम कवर करेंगे, मुंबई सिटी एफसी की ईकेएल गुआर्तोसेना, बट वो बाद में। बट करेंटली निखिल पुजारी इज द फर्स्ट डील दैट वी ऑल नीड टू नो अबाउट। सो भाई निखिल पुजारी टू मुंबई सिटी एफसी द फर्स्ट न्यूज मैं कवर कर चुका हूँ। लेट्स टेक सम ऑफ द कमेंट्स, उसके बाद मैं चला जाऊंगा दूसरे न्यूज में, दैट इज सना सिंह टू बेंगलुरु, उसके बाद नीम दोरजी टू गोवा, उसके बाद इकोर गुआर्तोसेना टू मुंबई। बहुत कुछ है बात करने को, सो डोंट वरी गाइज। सना को बेंगलोर में प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही सस्ती मिल गई भाई, ये क्या बात हुई? एनयूएफसी का न्यूज आया है क्या दादा? नहीं, कोई न्यूज नहीं आया है सुनील। और केबीएफसी डन डील सोर्स लॉर्ड क्रिस्टल जॉन तर भाई, ये सब क्या बात है? क्या बीएफसी का कोई साइनिंग होगा या साइनिंग्स डन? नहीं बोल सकता भाई, एक तो साइनिंग हो चुका है, व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, एक साइनिंग तो हो चुका है,
सना सिंह 5 साल का डील, हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, ये तो आर्म बैंड हमारे ही लोग बोल रहे हैं। मुंबई सिटी आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द साइनिंग ऑफ 3 प्लेयर्स बाय टुमारो, लेट्स सी कौन हो सकते हैं। व्हाई डू यू राइड ईके टू गोवा, भाई गलती है, गलती गलती मिस्टेक, साथ में देख लो लोगो मुंबई का ही है। 9 for BFC, और लेट आज हुआ है तो थोड़ा गलती मेरा है और थोड़ा गलती तुम्हारा भी है रचित, यू आर रिस्पॉन्सिबल एज वेल अलॉन्ग विथ मी। मेरी गलती ये थी कि मैंने मुंबई का नाम गलती से लिख दिया था, गोवा का नाम, और दूसरी गलती है तुम्हारा क्योंकि मेरे पास एक OCD है, जब मैं कोई काम गलत करता हूँ उसको जितना तक सही ना करूं मुझे नहीं होता, मैं 11 को ही स्टार्ट करता, बट मुझे फिर से थंबनेल अपडेट करना पड़ा, थंबनेल डिजाइन करना पड़ा, वहां पे बेसिकली गोवा के जगह में मुझे मुंबई फिर से लिखना पड़ा। सो यू आर हाफ रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम हाफ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर मुझे OCD वाला दौरा नहीं पड़ता तो ये शो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता। भाई NUFC वर्सेस JFC प्रेडिक्शन कल 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 कल, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। आई थिंक BFC शुड गो फॉर भेके इफ मुंबई अग्री फॉर दिस सीजन एंड टू टर्न अराउंड दिस एक्सपीरियंस, भेके विल ब्रिंग इंपॉर्टेंट। बाय द वे सना डील इज ऑल्सो गुड, यस वी विल टॉक अबाउट इट, बाकी कमेंट्स बाद में लेते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड न्यूज। बहुत सारे बहुत बहुत कम टाइम है मेरे पास आज, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सना सिंह टू बेंगलुरु, और ये 1 साल का या 2 साल का डील नहीं है, इट्स बेसिकली अ 6 ईयर डील, क्योंकि 6 ईयर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ 5.5 ईयर डील, सो इस साल के हाफ सीजन तो हो गए, इसके बाद 5 साल का डील, 5 ईयर्स ही विल स्टे एट बेंगलुरु। क्या ये अच्छा डील है बुरा डील है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लोग बोलेंगे भाई बुरा डील होगा क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, व्हाई विल इट बी अ बैड डील, इट्स अ गुड डील फॉर बेंगलुरु। सवाल ये है कि आप जब एक प्लेयर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो, देन इट बिकम्स अ रिस्की कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस प्लेयर का इंजरी भी हो सकता है, उस प्लेयर का फॉर्म भी डिप कर सकता है, एंड इन केस ऑफ 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट आप उस प्लेयर को ऑफलोड भी नहीं कर पाओगे। द आंसर इज सना सिंह इज अ टोटली ब्रिलियंट प्लेयर चिंगलिंग सना, सो उनको शायद कुछ भी ना करना पड़े और मेरा रूमर्स पूरा बेसलेस हो, बट 5.5 ईयर डील्स, वाओ। आपको आप आंसर जानते ही हो, क्योंकि देखो क्यों खरीद रहा है, इसका आंसर मैं एक वर्ड में दे दूंगा। फर्स्ट रीजन उनको क्यों खरीद रहे हैं, नंबर वन रीजन इज आपके टीम के पास एक भी अच्छा इंडियन सेंटर बैक नहीं है, बेंगलुरु हैज जीरो गुड सेंटर बैक्स इंडियन। सेकेंड ऑफ ऑल जोवानोविच और दामियानोविच दोनों को एक साथ खिलाने का मतलब ये था कि टीम के बाकी सिर्फ दो ही फॉरेनर्स आप मिडफील्ड और स्ट्राइकर के पोजीशन में यूज कर सकते हो। विद सना सिंह डील आप दामियानोविच या जोवानोविच किसी एक को आप खिला सकते हो, आप एक को आप बेंच में बैठा सकते हो, एंड यू कैन गिव स्टार्ट टू सना। इन दैट केस आपके पास 3 प्लेयर्स बच जाएंगे टू यूज इन द अपर पार्ट्स ऑफ द पिच, आप मिडफील्ड में 2 और स्ट्राइकर में 1 प्लेयर अगर यूज करो तो टीम का बैलेंस थोड़ा अच्छा होगा। एंड एज पर बेंगलुरु एफसी आर स्टिल गोइंग फॉर प्लेयर्स, खत्म नहीं हुआ है, देयर इज अ चांस दैट साहिल तवोरा माइट एंड अप इन बेंगलुरु एफसी। मार्केट में इतने सारे उथल पुथल हो रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू कवर एक्चुअली भाई, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कवर। सो उसके बाद अगर मैं मूव कर जाऊं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाई दिस डील इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस डील इंपॉर्टेंट ये भी बोल देता हूँ। ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु लैक्स द क्वालिटी इन डिफेंस, ये तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, सो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बट सेकेंडली बेंगलुरु के पास एक प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक वाला ऑप्शन भी आता है, क्यों देखो जेराल्ड ज़ारागोज़ा स्पेनिश एट द एंड ऑफ द डे एंड ही लाइक्स टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, वो बिल्ड करना कोशिश करते हैं टीम के अटैक को, वो डिफेंस से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एंड इन दैट केस दी नीड्स अ गुड टेक्निकल इंडियन फुटबॉलर, क्योंकि दामियानोविच या जोवानोविच दोनों से पॉसिबल नहीं है, बोथ ऑफ देम आउट एंड आउट सेंटर बैक्स, दोनों ही पासिंग के तौर पे बहुत अच्छे हैं नहीं। इसके अलावा अगर आप राइट बैक या लेफ्ट बैक के पोजीशन में देखो, दे हैव गुड राइट बैक एंड लेफ्ट बैक ऑप्शंस, बट प्रॉब्लम ये था क्योंकि देखो भाई द बिग मिस्टेक दैट दे मेड, उनको प्रवीर को उन्होंने छोड़ दिया, प्रवीर के जगह में दे आर प्लेइंग समवन एल्स, बट इन द लेफ्ट बैक दे आर यूजिंग नाउरेम एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एक अच्छे सेंटर बैक की कमी के वजह से वो प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक बिल्कुल नहीं कर पा रहे, सो इन दैट केस प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक कैन बी अ वेरी वेरी गुड डील एज वेल, इट्स अ वेरी वेरी गुड डील फॉर द टीम एज वेल, क्योंकि एक प्लेयर वो ऐसे है जो बैक प्ले आउट फ्रॉम द बैक करेंगे, ही वोंट मेक मेनी मिस्टेक्स इन द डिफेंस, और वो बेंगलुरु को एक अटैकिंग आउटलेट भी देंगे और डिफेंसिव स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, एंड यू नो क्योंकि देखो सना सिंह का लेवल का क्वालिटी, ही इज इन द सेम लेवल ऑफ मेहताब, ही इज इन द सेम लेवल ऑफ राहुल भेके, सेम लेवल ऑफ अनवर अली, उनका बैड लक है कि उनको नेशनल टीम में चांसेस उतने ज्यादा नहीं मिले, सो ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, सो बेंगलुरु एफसी फाइनली पार्थ जिंदल हैज वेकन अप एंड ही इज मेकिंग ऑल दोज मूव्स, क्योंकि भाई मैं तो बहुत गुस्से में था कि why aren't they doing in the market, why are they not being active in the market, so बिल्कुल they are active in the market right now and they are looking for options, and this player that is none other than The man himself, Sana Singh, will provide them a quality option. एक national team player मिलेंगे उनको, और सबसे बड़ी बात है he is still hungry to prove himself. और एक disastrous Hyderabad season के बाद he needs to build up his career national team में ड्रॉपने के लिए. And there is nothing better than this for the team as well. So without a doubt, I will give this deal a 10 out of
बेसिकली 10 out of 10 बोलना गलत होगा, 8 out of 10 बोलूंगा, 10 out of 10 विल बी अ वेरी रॉन्ग वर्ड, क्योंकि 5.5 year डील ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 34 या 35 year old तक आप अगर एक प्लेयर को कैरी करते हो, इफ ही डजंट परफॉर्म लाइक वर्जिल वैन डाइक देन देयर इज नो मीनिंग। आपको वर्जिल वैन डाइक लेवल का प्लेयर होगा इंडियन फुटबॉल में, अगर आप अनवर अली के ऊपर स्पेंड करो या मेहताब के ऊपर स्पेंड करो, हु आर स्टिल वेरी यंग, हु आर स्टिल 4 or 5 years लेफ्ट इन द फुटबॉल, आई डू अंडरस्टैंड, बट द 5.5 year डील ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग एस्पेक्ट बहुत अच्छा डील है, इट्स अ वेरी वेरी गुड डील, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, और मैंने जो बोला ही विल प्रोवाइड, एक ही प्लेयर में 3 या 4 चीजों के सोल्यूशन बेंगलुरु एफसी को मिल जा रहे हैं। सो अब हम लोग लेंगे कुछ कमेंट्स, उसके बाद वी विल मूव टू निम दोर्जी टू गोवा, सो निम दोर्जी का भी मूव कर जाएंगे। सो लेट्स टेक 10 out of 10 एफसी गोवा डायमंड, थैंक यू निम दोर्जी, गुड साइन बाय एफसी गोवा, यस कैन बी, कैन बी, आवर कोच ब्रॉट हिज प्लेयर्स हु नोज हिज स्टाइल ऑफ प्ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफसी गोवा में निम दोर्जी हैज आल्सो प्लेड, सो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीएफसी लैक्स क्वालिटी स्ट्राइकर पोजीशन, दे हैव प्लेयर्स, भाई ओलिवर द्रोस को तो खरीदा है, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा सुनील फैन बेस, ओलिवर द्रोस इज द ओनली प्लेयर, एनयूएफसी किसी को भी नहीं साइन करेगा भाई, राइट नाउ इट्स लुकिंग हार्ड, शायद नॉर्थ ईस्ट कुछ ना करे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का नाम बिल्कुल नहीं आ रहा आज के न्यूज में, इट्स गेटिंग टू हॉट इन द मार्केट, हैप्पी फॉर एफसी गोवा, इट्स गेटिंग टू हॉट, और हम लोग जो यूट्यूब करते हैं हम लोगों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। संदेश झिंगन अभी तक फुल सीजन बाहर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट डाला है उसमें, भाई फुल सीजन नहीं बोला, नीड्स टू रेस्ट बोला है, देखो भाई फुल सीजन इसको समझ लो, क्योंकि जब वो लौट आएगा यू विल नॉट स्टार्ट हिम, अगर वो बंदा प्ले ऑफ के टाइम पे लौट आता है यू विल नॉट प्ले हिम इन द प्ले ऑफ, क्योंकि आप एक अनफिट प्लेयर को या हाफ फिट प्लेयर को नहीं खिलाओगे, सो इसको पूरा सीजन पकड़ के ही चलो। निम दोर्जी अच्छा है क्या आपके तौर पर, यस निम दोर्जी इज अ वेरी गुड प्लेयर, इस सीजन उनको बहुत ज्यादा गेम टाइम भी मिला है ओडिशा में, सो दैट इज समथिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैनलो मार्केज नोज भाई, न्यू साइनिंग ऑफ ओडिशा, वी विल डू दैट एज वेल भाई, बहुत बहुत ज्यादा डील्स मुझे कवर करने पड़े, आई एम ओनली कवरिंग द लेटेस्ट न्यूज, ओडिशा वाला भी कवर करूंगा, अगर जरूरत होगा तो ट्रांसफर विंडो के बाहर जाके भी कवर करूंगा। मोहन बगान ने अनवर को 5 साल को लिया है, यस बट अनवर मेहताब इन दोनों का बात बार बार अलग है, दे आर स्टिल वेरी यंग, दे आर स्टिल वेरी यंग, दे आर स्टिल, एंड इवन अगर आप यहाँ पे निम दोर्जो को भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग यंग प्लेयर, बट सना वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसा होता है। इकेर प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेग, ये तो बोलना मुश्किल है भाई, फीलिंग सेट फॉर एचएफसी, विल ओडे, ये तो मैं बाद में बात ही करूंगा, राइट नाउ जब मैं बात करूंगा, 5.5 year सम इमेज व्हाट डू यू नो डू देन, भाई मैं फिर से उसको गाली ही दूंगा, अगर मोहन बगान मैनेजमेंट ने किसी प्लेयर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया मैं तो गाली ही दूंगा उसको, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अपार्ट फ्रॉम अनवर अली, मुझे नहीं लगता मोहन बगान में एक भी प्लेयर है जिसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, या मार्केट में भी कोई प्लेयर अवेलेबल है जिसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। मोहन बगान ऑलरेडी जूझ रही है इस प्रॉब्लम से, मोहन बगान गिवन 3 years कॉन्ट्रैक्ट टू जेसन कमिंग्स, अब तो बंदा चल नहीं रहा है, मोहन बगान आई टोटली डिसअरे, सो भाई गालियां पड़ेगी भाई, मोहन बगान करेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं गाली नहीं दूंगा, एब्सोल्यूट गाली मिलेगा। देयर इज नो प्लेयर इन आईएसएल हु शुड गेट अ 5 year कॉन्ट्रैक्ट अपार्ट फ्रॉम मेहताब एंड अनवर, बिकॉज दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर यंग प्लेयर्स, दे आर यंग सेंटर बैक्स, और सेंटर बैक्स की प्राइस बहुत ज्यादा होती है इंडियन फुटबॉल में, दिस इज द ओनली रीजन, इसके अलावा कोई प्लेयर्स कोई डिजर्व नहीं करता, नोबडी, इवन मेरा सबसे पसंदीदा प्लेयर जो इंडियन फुटबॉल में है, इवन अ प्लेयर एज यंग एज पार्थिव, उसके लिए भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल है। एनी न्यूज ऑन रॉस्टन ग्रिफिथ रिप्लेसमेंट, हुगो को भी दिया और हुगो को झेल भी रहे हैं मोहन बगान वाले, मोहन बगान मेड डील आफ्टर डील एंड दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, अब कोई टीम अगर इसके बाद भी करना चाहेगा ये तो भाई ठीक ही है भाई, भाई पार्थ जिंदल हैज वेकन अप, एब्सोल्युटली ही हैज वेकन अप, एल खयाती लेफ्ट देन मे बी वन फॉरेन साइनिंग फॉर मुंबई, यस एंड दैट्स इकेर गुआर्तोसेना, भाई भाई मोहन बगान का ट्रांसफर बुमू कमिंग्स रहेंगे, एवरीबॉडी स्टेइंग, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मोहन बगान। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज, दैट इज निम दोर्जी टू एफसी गोवा, जो लोग निम दोर्जी को नहीं जानते, देयर इज हार्डली एनीवन हु डजंट नो निम दोर्जी, ठीक है भाई, निम दोर्जी तमांग को आप सब लोग जानते ही होंगे, निम दोर्जी तमांग द हैदराबाद एफसी सेंटर बैक, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ही इज अ आउट एंड आउट सेंटर बैक जो राइट बैक भी खेल सकता है, इस सीजन में उन्होंने 8 matches में फीचर किया है इन द ISL और 13 टोटल अपीयरेंसेस दिस सीजन, जिनका करियर शुरू हुआ था शिलोंग लाजोंग से, वहां से पुणे सिटी से बेसिकली उन्होंने चले गए थे टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, नॉर्थ ईस्ट में बहुत एक टाइम तक बिताया था, नॉर्थ ईस्ट से हैदराबाद एफसी चले गए थे इन द सीजन ऑफ 2021, उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक हैदराबाद एफसी में फुटबॉल खेला है, एंड ही नोज द टीम वेरी वेल और ही नोज द कोच वेरी वेल, टीम बोलना गलत होगा, कोच मतलब मैनोलो मार्केस के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, और अब मैनोलो मार्केस, देखो निम दोर्जी, व्हाट इज द एज ऑफ निम दोर्जी, निम दोर्जी इज 28 years old, सो ही इज स्टिल नॉट वेरी यंग प्लेयर, सो निम दोर्जी को अगर आप खिला देते हो, निम दोर्जी को देखो, निम दोर्जी को आप लोग बोलोगे भाई सना का भी तो 28 है, निम दोर्जी का भी 28 है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट,
बात तो है भाई, निंदोर जी के लिए भी 5 साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचता, मैंने पहले बोला था। बिकॉज देखो भाई, एज का इंडियन फुटबॉल में एज मुझे बहुत ज्यादा रॉन्ग लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि निंदोर जी 26 और निंदोर जी 28 बेसिकली। सो वो वाला स्टेटमेंट मैं वापस लेता हूँ। सो निंदोर जी शुडन बी गिवन अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रॉब्लम यह है कि भाई निंदोर जी का सोल्यूशन देखो, निंदोर जी इज अ बैकअप, ही इज बेसिकली बैकअप सोल्यूशन। देखो आप कोई एक बड़े प्लेयर को नहीं ले सकते। निंदोर जी अगर एक बोलू, ही इज अ वेरी स्टेबल ऑप्शन। वो लिवरपूल के जोएल मैटिप के तरह है। ही इज लाइक द नाचो ऑफ रियल मैड्रिड। ही इज लाइक द सर्जी रोबर्टो ऑफ बार्सिलोना। सर्जी रोबर्टो सेंटर बैक नहीं है, आई नो दैट, बट एक ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग लाइनअप में शायद स्टार्ट ना करे अगर सब प्लेयर्स फिट हो, बट ही इज अ वेरी गुड स्क्वाड ऑप्शन टू हैव। क्योंकि मैं ठंडे दिमाग से आप सोचो, करेंटली अगर आप मार्केट को देखो, देयर आर वेरी फ्यू गुड इंडियन सेंटर बैक्स। होर्मीपाम ने पहले ही बोल दिया कि होर्मीपाम विल नॉट मूव टू अ क्लब जहां पे उसको गेम टाइम गारंटी नहीं मिलता। एंड आफ्टर संदेश सिंह एंटर्स, होर्मीपाम को नेक्स्ट सीजन चांसेस मिलना मुश्किल है। इन दैट केस समवन लाइक अ निंदोरजी तमंग, ही इज सम सम ऑफ द प्लेयर हु इज वेरी सक्सेसफुल। आईएसएल में 22-23 के सीजन में उन्होंने 11 मैचेस खेले थे। ही हैज प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन दैट सीजन। इस सीजन 8 मैचेस खेले हैं पूरे करियर में उन्होंने। आईएसएल में 37 अपियरेंस है उनके नाम पे। सो ही इज अ वेरी गुड स्क्वाड ऑप्शन टू हैव। और अगर आप उनका पूरा आईएसएल करियर ठीक ठाक से देखो, ही हैज प्लेड 43 गेम्स इन द आईएसएल। अगर मैं स्टार्टिंग, सिर्फ स्टार्टिंग की बात करूं और स्टार्टिंग को निकाल दूं और दोनों को एक साथ जोड़ लूं, इट्स पूरा आईएसएल टीम्स के लिए करियर देखो तो 49 गेम्स ऑलमोस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हैदराबाद। सो ही नोज द लीग वेरी वेल, ही नोज द कोच वेरी वेल। एंड निंदोरजी तमंग इज अ वेरी निम्बल फुटेड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड पासर ऑफ द बॉल। आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि देखो भाई संदेश जिंगन का पासिंग भी इंप्रूव हुआ है। अंडर मनोल ओमार के निंदोरजी इज गुड विद हिज पासिंग। देखो भाई, निंदोरजी का फिजिकल प्रेजेंस शायद संदेश जिंगन सर की तरह ना हो। संदेश जिंगन सर तो वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े नाम है। सो व्हाट डज निंदोरजी प्रोवाइड? निंदोरजी प्रोवाइड्स अ गुड बॉल प्लेइंग ऑप्शन। ही इज अ गुड बैकअप ऑप्शन। डिफेंस का काम ठीक ठाक से कर देंगे। एंड ही इज अ टेम्पोररी सोल्यूशन, ये पहले ही बोल देता हूँ। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीजन आप शायद देख पाओगे कि 7 या 8 प्लेयर्स के पीछे, 7 या 8 प्लेयर्स इसके बाद भी एफसी गोवा लेने की कोशिश करें। यंग प्लेयर्स, यंग प्रोडिजीज, इवन होर्मीपाम के लिए भी ट्राई करे। बट फॉर दिस सीजन, हाफ सीजन में किसी बड़े प्लेयर्स को नहीं ले आना चाहती थी वो। एंड करेंटली आप जानते हो कि हैदराबाद में कोई भी प्लेयर रहना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ द सैलरी इशूज। एज अ रिजल्ट सो उन्होंने एक ऑप्शन देखा टू बाई अ प्लेयर हु कैन बी अ बैकअप टू संदेश जिंगन। और अगर ऐसा होता कि संदेश फिट हो जाते हैं, समहाउ ही गेट्स फिट बिफोर द प्लेऑफ्स, मुझे तो बहुत रिस्क लगता है उनको खिलाना। बट इन दैट केस अगर आप उनको खिलाना चाहोगे, देन निंदोरजी कैन ऑल्सो सिट बैक एंड गिव यू अ प्रॉपर ऑप्शन। सो दैट इज समथिंग द टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक प्लेयर जो बहुत क्लोज हो कोच के साथ, कोच के साथ पहले खेल चुका है और उनको कोचिंग या उनके स्टाइल या टैक्टिक्स में सेटल होने के लिए कम टाइम लगेगा। ऑल ऑफ दिस क्राइटेरियाज आर फिट बाय निंदोरजी तमंग। सो निंदोरजी तमंग इज द करेंटली द प्लेयर दैट एफसी गोवा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एज वेल। इसमें कोई डाउट नहीं है। रॉस्टन ग्रिफिथ्स इज नॉट, रॉस्टन नहीं है, टीम इज करेंटली नॉट विद द टीम। देयर आर रूमर्स दैट ही हैज ऑफिशियली टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लाइट बैक टू ऑस्ट्रेलिया। भाई रॉस्टन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, मैंने न्यूज भी किया था। रॉस्टन इज नॉट देयर, रॉस्टन विल नॉट बी देयर। सो मुंबई बेसिकली 2 फॉरेनर्स खरीदेंगे। एक इकेर गुआर्तो सेना होगा। इकेर इज द फर्स्ट वन टू मुंबई, ही इज द फर्स्ट डील। इसके बाद सेकेंड डील कौन होगा ये हमें देखना पड़ेगा। करेंटली मार्केट में मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। शायद ट्रांसफर विंडो के बाद एक फ्री एजेंट को वो खरीद सकते हैं। निंदोरजी ऑल्सो प्रोवाइड क्रूशियल ओल्ड गोल्स। अगर नेगेटिविटी करना है, यू कैन डू टर्न्स ऑफ नेगेटिविटी रचित, बट फैक्ट तो यही है कि यू विल नॉट गेट अ वेरी गुड सेंटर बैक इन द मार्केट। अगर आप होर्मीपाम को खरीदो, होर्मीपाम वोंट कम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सोल्यूशन? एक प्लेयर जो कभी भी वेनलो मार्केट्स के अंदर नहीं खेला है उसका। सो बेसिकली ट्रोलिंग मैं समझ सकता हूँ, बट व्हाट आर यू सेइंग, देयर इज नो मीनिंग इन टू इट। लाइक संदेश नोसी भी, आदिल वॉज गुड बट इंजरी। बट आदिल इज ओल्ड एंड आदिल इज प्लेइंग करेंटली द थर्ड डिविजन। विल यू टेक अ रिस्क इन दैट केस? Expected to terminate his contract for immediate effect and expected to move in the fourth tier Spanish league. Then Mumbai is in crisis mode. So ab Mumbai ka liye crisis mode start ho gaya. If this is true, then Mumbai is in very, 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 very dangerous move, bhai. Ode, Neem, Kal, Borha, Noha combo. Your thought, bhai? बहुत अच्छा है, नहीं बोलूँगा. Decent enough lineup. But again, a big transition for a team like FC Goa. इतने भाई और भी साइनिंग बाकी है, बहुत सारे साइनिंग बाकी है। कल 3 या 4 साइनिंग्स होंगे। विद सना कमिंग टू बीएफसी, डिफेंस लुकिंग लाइक रॉक। जोवानोविच, रोशन, सना, गुरप्रीत, यस द डिफेंस इज लुकिंग गुड, आई वोंट लाइक। बट देखना पड़ेगा कि बेंगलुरु कैसा रिकवर करती है, लास्ट साल की तरह रिकवर कर पाती है कि नहीं। अर्शदीप, ओडे, कार्ल, सेरिटन, जे, राउलिन, रेनियर, ब्रेंडन, यासिन, नोवा, बोजा, कैसा लग रहा है बेंच में भी? उदांता, बोरिस, घामा। देखो भाई, गोवा इज इन द फर्स्ट प्लेस, दैट्स देखो भाई गोवा फर्स्ट में है क्योंकि दे हैव अ वेरी गुड लाइनअप और ये उसी का एग्जाम्पल है।
अगेन सो लाइनअप तो अच्छा ही लग रहा है भाई उत्कर्ष भाई। एंड इसके बाद मैं सारे टीम्स के लाइनअप के भी बारे में बात करूंगा एज वेल जब ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगा। भाई आज का मैच का मजा सऊदी वर्सेस कोरिया आप देख रहे हो क्या? मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा क्योंकि मुझे इंडियन ट्रांसफर न्यूज कवर करना पड़ता है। आई आई डू वॉन्ट टू वॉच बट आप लोगों के लिए आपके प्यार की वजह से आना पड़ता है भाई। गोवा के प्लेयर उठाते हैं मुंबई, उनके पास स्काउटिंग नहीं है, दूसरों का उठाते हैं ना स्काउटिंग है भाई। मैं ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलूंगा स्काउटिंग नहीं है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई सेड इज अ क्लियर फैक्ट। यू सेड अ क्लियर फैक्ट बट यू आर सेइंग दिस इन अ जेस्ट रचित, डोंट लाई टू मी, यू आर सेइंग दिस इन अ सरकास्टिक मैनर। तो सरकैज़म मैं समझ सकता हूँ, इवन आई वुड हैव ट्रोल्ड अगर मैं खुद वीडियो ना करता, मैं शायद ऐसा ही कुछ कमेंट खुद करता। बट द फैक्ट इज इससे अच्छा ऑप्शन एफसी गोवा के पास कोई नहीं था मार्केट में, दे डोंट हैव मच ऑप्शंस। सो कल के मैच के लिए कुछ बोलो, कल के मैच के कल कल बात करूंगा भाई। एब्सोल्युटली आज ट्रांसफर विंडो में, ट्रांसफर विंडो के फाइनल 2 दिन में सब कुछ बैक सीट में चला जाता है, ऑल मैचेस आर इन द बैक सीट। कल जरूर हम बात करेंगे, जरूर नॉर्थ ईस्ट जीतती है हारती है, जमशेदपुर जीतती है हारती है, वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन टुमारो टुमारो कल रात को हम इसके बारे में बात करेंगे। एज ऑफ राइट नाउ भाई मैं बहुत बहुत बिजी हूँ राइट नाउ विद द ट्रांसफर न्यूज, कुछ नहीं बोल पाऊंगा कल के लिए। निखिल वांट्स टू जॉइन ईबीएफसी बट मुंबई गिव देम अ बेटर ऑफर व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म डील, ईबीएफसी फेलिंग टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डील विल स्किपिंग देम आउट ऑफ द रेस। एंड मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा इफ बेंगलुरु समहाउ ड्रॉप्स इन दिस रेस। मुझे मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु विल कम इनटू दिस रेस लेट इट थ्रू। देखो मुंबई आर द फेवरेट्स, ईस्ट बंगाल मुझे लगता है यार करंटली आउट ऑफ द रेस, सो ये एक चीज हो सकता है मे बी समथिंग लाइक दिस। गोवा 2 फॉरेन सीबी के साथ खेलेगा कार्ल और ओडी, इन द मिड में इंडियन अच्छे है बट इन दैट केस भाई मिडफील्ड बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा और अटैक बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा, यू हैव टू प्ले मक्यू अप फ्रंट। कल के लिए मैच के लिए कुछ बोलो भाई, कल के मैच के लिए करेंटली आई वोंट टेल एब्सोल्युटली एनीथिंग क्योंकि मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। आई विल कवर कवर भाई कवर कवर भाई ब्राइस मिरांडा को पंजाब ने साइन किया है, यस आई नो, यस यस दैट्स अ गुड गुड डील। फाइनली जेराड को उसका चॉइस का प्लेयर मिल रहा है, कौन सा जेराड भाई, जेराड जरागोसा या स्टीवन जेराड? जेराड जरागोसा को अपने पसंद का प्लेयर तो मिल रहा है। बॉन्ग ब्लॉगर सेइंग मोहन बगान ट्रांसफर न्यूज कल आएगा, कल देयर इज अ फॉरेनर हु इज कमिंग टू मोहन बगान, कौन नाम है वो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आई डोंट नो, सो वी विल कवर द मोहन बगान न्यूज टुमारो। कल दोष वीडियो लाने पड़ेंगे शायद, इतने ज्यादा न्यूज आ रहे हैं और रात को नॉर्थ ईस्ट वाला भी कवर करना पड़ेगा, सो इट्स एक्चुअली क्रेजी। व्हेन मुंबई इज इनटू द रेस वी ऑल नो हु विंस, यस मुंबई स्पेशली बाकी टीम्स। मैं यहाँ पे मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ मुंबई और मोहन बगान एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है मार्केट में। मुंबई और मोहन बगान के खिलाफ अलावा बाकी सब टीम्स के पास इन दैट टर्म बजट कम है, सो द ओनली टीम हु कैन बीट मोहन बगान इज मुंबई, द ओनली टीम मोहन बगान कैन बीट इज ऑल्सो मुंबई। सो मुंबई और मोहन बगान आर द टू टीम्स दैट आर एबल्ड फाइनेंशियली और एक दूसरे को फाइट देते हैं मार्केट में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टीम्स आर नॉट दैट वेल्दी, बट अगेन इफ दे हैव गुड प्रोजेक्ट तो प्लेयर प्रोजेक्ट देखिए भी इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सना सिंह वॉज अट्रैक्टेड बाई द इंटरेस्ट एंड देखना देखना पड़ेगा, बहुत कुछ बात है बट अगेन आई टोटली अग्री जब मुंबई रेस में उतरते हैं मुंबई मोस्ट ऑफ द टाइम्स डू विन, द सेम विद मोहन बगान एज वेल, बट भाई पिच में परफॉर्मेंस भी चाहिए ना, पिच में परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा भाई। ग्रेग स्टुअर्ट का तो स्कॉटिश फर्स्ट डिवीजन में खेला है, यस ही वोंट कम बैक टू इंडिया भाई। इज देयर न्यूज भाई सादी को नहीं मोस्ट प्रोबली हैमिल रिलीज होने वाले हैं। आई स्टिल कैन नॉट से भाई ही कैन लिव गो आफ्टर टर्मिनेशन आल्सो ही नेवर इन स्पेन प्रॉपर्ली, गोवा के प्लेयर उठाते हैं मुंबई भाई, ये न्यूज से एक बार बोल चुका हूं। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल न्यूज ऑफ द डे, ही केयर गोवा तो सेना टू गो, गोवा नहीं भाई, गलती गलती गलती, ये गोवा नहीं होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट टू करेक्ट, गोवा नहीं, ही केयर गोवा तो सेना टू मुंबई, मुंबई इज द टीम दैट इज करेंटली टॉकिंग विद इगर गुआर्तोसेना। और इस ट्रांसफर न्यूज में जाने से पहले गाइज इतना कुछ वीडियो करता हूं, इतना दिन आपके लिए मेहनत करके वीडियो ले आता हूं, एक ही चीज तो रिक्वेस्ट करता हूं वो है सब्सक्रिप्शन। तो गाइज जो अभी भी हमारे वीडियो को देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, माई रिक्वेस्ट प्लीज डू इट भाई प्लीज, क्योंकि मैं तो न्यूज लेते आता ही रहूंगा, मैं एक के बाद एक न्यूज कवर करता ही जाऊंगा, सिर्फ एक ही चीज मुझे चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल वन दैट इज इकेर गुआर्तोसेना टू मुंबई। भाई इकेर को बेसिकली एफसी गोवा ने छोड़ दिया था, ये है सच बात, इकेर गुआर्तोसेना को मुंबई ने छोड़ दिया था, उसके बाद वो चले गए थे कहां पे, ही मूव्ड ऑन टू द स्पेनिश सेकंड डिवीजन जहां पे उन्होंने रियल मुर्सिया बोल के एक क्लब है, रियल मुर्सिया के लिए फुटबॉल खेलते थे, रियल मुर्सिया के लिए उन्होंने फुटबॉल खेला एंड ही प्लेड 10 गेम्स और उसमें सिर्फ 2 गोल्स थे और कोपा डेल रे के मैच में एक ही मैच खेले, गोल फोल कुछ था नहीं। सो परफॉर्मेंस क्या स्पेन में जाकर अच्छा था, द आंसर इज नॉट,
नहीं था बहुत कुछ अच्छा। और अगर आप इके तो गुआर्तो सेना का करियर ठीक ठाक से फॉलो, बिलबाओ की यूथ एकेडमी, जिस यूथ एकेडमी से आदुरिस से लेके इनाकी विलियम से लेके एंडर हेरेरा से लेके कितने नाम बोलू, कितने कितने, आई विल लॉस्ट काउंट बाय सेइंग इके मुनिये, बहुत सारे नाम है। इवन देर आर ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स। देखो भाई बेसिकली जो जगह है दैट इज द प्लेस वेयर बिलबाओ इज इन, ठीक है, बास्क रीजन, वहां से एक के बाद एक अच्छे प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जावी अलोंसो भी वहीं से आए थे, सो वहां के अकेडमी के प्रोडक्ट है वो। सो बिलबाओ से खेलते थे, बसोनिया में खेलते थे, एथलेटिक सीडी सेनेरिफे, एथलेटिक बिलबाओ, मिरांडेस, वोलोस, वेस्टर्न यूनाइटेड, लोंगोरेस, एफसी गोवा, इतने सारे फुटबॉल क्लब्स के लिए खेले है। दिस इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फुटबॉलर, बट फैक्ट तो ये है क्यों गए थे छोड़ के, ये हमें पता है, क्योंकि देखो भाई वो बेसिकली प्लान में नहीं थे मैनोलो मार्केस साहब के, सो ही वाज नॉट इन द प्लान ऑफ मैनोलो मार्केस एंड एज अ रिजल्ट उनको छोड़ दिया गया था। दैट्स द ट्रूथ कि भाई उनको छोड़ दिया गया था। सो करेंटली ही वाज अवेलेबल इन द मार्केट और रियल मुर्चिया से उनका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के महीने में खत्म हो गया था, बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया था, सच बात तो यह है, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग। सो उसके बाद मार्केट में उनको लिए कुछ इंडियन क्लब्स ने जंप किया था कि भाई हम लेंगे। पहले इकेन ने ये बोला था कि मैं इंडियन फुटबॉल में वापस रिटर्न नहीं आऊंगा, दैट वाज द न्यूज। बट उसके बाद हमें देखने को मिला कि कुछ टीम्स इंटरेस्टेड हो पड़ी, उसके बाद हमें ये बहुत बहुत हमें एक ट्विस्ट देखने को मिला। ट्विस्ट क्या था कि बेसिकली मुंबई सिटी एफसी, जिन्होंने दो या तीन प्लेयर्स को छोड़ दिया था, तीन या चार प्लेयर्स को छोड़ दिया था, वहां से एक प्लेयर को वो ले आए, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं बार बार बोलता हूँ, ही प्लेड विद प्लेयर्स लाइक सर्जी कैनोस, एंडर हरेरा, एल्बर्टो मोरेनो, जो लिवरपूल के लिए खेलते थे, ही इज दैट काइंड ऑफ अ टैलेंटेड प्लेयर, बट ही इज वन ऑफ दोस वेस्टेड टैलेंट्स, जहां पे स्पेनिश फुटबॉल में बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाए थे। दैट्स द ट्रूथ अबाउट हिम एज वेल। सो इकेर गुआर्तो सेना को बेसिकली मुंबई किस लिए खरीद रही है, मुंबई के लिए प्रॉब्लम यह है कि रॉस्टन ग्रिफिथ चले गए हैं, नसर अल खयाती ऑल्सो मूव्ड ऑन टू द यूरोपियन फुटबॉल एज वेल, सो करेंटली उनके पास दो स्लॉट्स खाली है, एक में वो किसको लाएंगे वी विल सी लेटर, बट एज ऑफ राइट नाउ इकेर गुआर्तो सेना को आप समझ लो, क्योंकि ही इज कमिंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ विच प्लेयर, ही इज कमिंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समवन लाइक अ नसर अल खयाती। इसके बाद भी ग्रेग स्टुअर्ट चले गए, ग्रेग स्टुअर्ट के रिप्लेसमेंट की तरह से एल्बर्टो नोगुएरा आ गया है, सो वो प्लेस भी स्लॉट हो जाता है, सो देयर इज वन प्लेस स्टिल लेफ्ट, कौन आएगा कल पता चलेगा या परसों या बाद में, बट एज ऑफ राइट नाउ इकेर गुआर्तो सेना मुंबई को क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड्स अ गुड गोल स्कोरिंग ऑप्शन। मुंबई सिटी एफसी का जो नया मॉडल है, नया जो पॉलिसी है, उसमें सपोर्ट स्ट्राइकर का एक पोजीशन बनता है बेसिकली अंडर द कोचिंग ऑफ समवन लाइक पीटर केट की, वहां पे एक सपोर्ट स्ट्राइकर का रोल बनता है। सो बेसिकली जॉर्जे पेरा डियाज अगर टीम के मेन स्ट्राइकर होते हैं, ही विल प्ले द रोल ऑफ अ सपोर्ट स्ट्राइकर, और ऐसा भी हो सकता है कि इकेर गुआर्तो सेना इज बेसिकली ब्रॉट ऑन एज अ बैकअप ऑफ समवन लाइक अ जॉर्ज, बेसिकली समवन लाइक अ जॉर्जे पेरा डियाज, सो ये भी हो सकता है, जॉर्जे पेरा डियाज के बैकअप की तरफ भी आ सकते हैं, या जॉर्जे पेरा डियाज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एज अ सपोर्ट स्ट्राइकर भी आ सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन डील, क्योंकि भाई इकेर गुआर्तो सेना स्टिल इन टॉक्स विद गोवा, बेसिकली मुंबई, डील कंफर्म नहीं हुआ है, देयर इज नो कंफर्मेशन, दे आर इन एडवांस स्टेजेस, बट एज ऑफ राइट नाउ मैं पकड़ के चलता हूँ कि इकेर गुआर्तो सेना मुंबई में आते हैं। तो मुंबई का प्रॉब्लम क्या हुआ गया है कि मुंबई का जो पूरा एक हम जिसको बंगाली में शाजानो बगान बोलते हैं, जिसका मतलब है जो एक वेल डेकोरेटेड टीम थी, उसमें बहुत सारे फूट आ गई है करेंटली। इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई आर नॉट अ गुड टीम, मुंबई स्टिल अ वेरी गुड टीम, प्रॉब्लम ये हो गया कि मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले गए हैं। सो मार्केट में मुंबई हैज शोन द श्रूडनेस, और मुंबई ने ये एक बहुत अच्छा चीज किया, वो मार्केट में कहीं पे यूरोप से या स्पेन से या जर्मनी से किसी प्लेयर को नहीं ला रहे, दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक आईएसएल प्रूवन प्लेयर, इकेर गुआर्तो सेना इज अ आईएसएल प्रूवन प्लेयर, आईएसएल प्रूवन फॉरवर्ड को अपनी टीम में ला रहा है, जिनको आईएसएल में एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर हु इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ समवन लाइक जॉर्जे पेरा डियाज, बट हिज पासिंग गेम इज बेटर देन जॉर्जे पेरा डियाज, सो दैट्स द ओनली ट्रूथ दैट आई कैन टेल अबाउट हिम। ट्रांसफर ये काम करेगा कि नहीं, आई कांट टेल भाई, बहुत कुछ बात बारे में वी कैन कवर, बट एज ऑफ राइट नाउ मुझे अभी भी लगता है मुंबई सिटी एफसी आर वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग टीम्स, जो एक प्लेयर को तभी स्काउट करते हैं इफ दे सी दैट प्लेयर हैज पोटेंशियल, उनको लगता है, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी हैज वन ऑफ द बेस्ट स्काउटिंग सिस्टम इन द कंट्री, बिकॉज दे साइंड प्लेयर्स लाइक बिपिन सिंह, लालविंस वाला छांगते, व्हेन पीपल डिडंट एक्सपेक्टेड देम टू बी वर्क, और बिपिन को तो बिल्कुल रॉ खरीदा था, उसके बाद मार्केट में जाके विनीत से शुरू करके वो उन्हीं प्लेयर्स को खरीदते हैं जो उनके सिस्टम में सूट होते हैं, और पीटर केटकी का सिस्टम थोड़ा अलग है टू समवन लाइक अ
उनके जो प्रीवियस को देस बकिंगहम थे, सो उनको उनके टाइप के प्लेयर्स चाहिए होंगे एंड ही मस्ट हैव सेड कि भाई मुझे इकर गुआर्तोसेना चाहिए, और इकर गुआर्तोसेना इज अ वेरी गुड प्लेयर, टेक्निकली ब्रिलियंट, टेक्निकली साउंड प्लेयर, सपोर्ट स्ट्राइकर खेल सकते हैं, नंबर 9 खेल सकते हैं, शायद जॉर्जे पेरा डियास के ऊपर उन्हें भी खिलाया जा सकता है, बिकॉज देखो भाई जॉर्जे पेरा डियास का जो सिस्टम था देस बकिंगहम का, ही वॉज वेरी गुड देयर. He's also playing very good for the new system as well. But again, he can go out, so we never know. But as of right now, it's a good deal. He's an ISL proven player. Mid-season, mein aap kisi alag player ko to nahi la sakta apne team mein. So all in all, this looks like a very pretty, pretty good deal for the team as well. So, bhai, let's take all those comments and finish today's show. Just a gentle reminder. Yes, bhai, Race Rachit, I totally agree. FC Goa ka market value. FC Goa has actually spent the highest amount of money in the transfer window this year. No Indian recruitment in winter transfer window for Mohan Bagan. Prashanjit, ट्रूथ इज कुछ नहीं होगा, कल भी कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक कुछ साइनिंग्स नहीं होंगे, देयर विल बी वन फॉरेनर जो मेरीना ज़ेरिना ने कहा है, मैं खुद नहीं बोला, मेरीना ज़ेरिना ये रिपोर्ट करेगी एक फॉरेनर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली इन प्लेस ऑफ हैमिल. इसके अलावा कुछ नहीं होगा. नेशनल टीम के प्लेयर्स कुछ टारगेट किए हैं मोहन बगान ने, बट वो समर ट्रांसफर विंडो के लिए एब्सोल्यूट 3 प्लेयर्स आर देयर टारगेट. सो देखते हैं भाई क्या कर सकता हो. एनयूएफसी कोई अच्छा प्लेयर को साइन कर ले, एब्सोल्युटली उत्कर्ष, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू उत्कर्ष भाई. इकेर इज फ्री टू साइन विद एनी फुटबॉल क्लब विच ही वांट्स, देयर वाज नो क्लॉज इन टर्मिनेशन विद गोवा विच विल मेक मुंबई के कंपेंसेशन. भाई ये तो मैंने तब भी बोल दिया था कि फेक है, ऐसा कुछ आप नहीं रख सकते प्लेयर के लिए, मैं तो इसको इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं था. ओके, इकेर हिमसेल्फ टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी गोवा. भाई कहां पे खिलाते इकेर को, क्योंकि इकेर रहते रहते ही अपने 7 प्लेयर्स को साइन कर लिया था. सो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इकेर का खुद का डिसीजन था, इट वाज अ जॉइंट डिसीजन. गोवा में भी उनका जगह बन नहीं रहा था और वो खुद भी एक टीम में जाना चाहते हैं जहां पे उनको रखा जाएगा. सो ऑल इन ऑल अगेन, इकेर इज अ गुड साइनिंग व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग स्टुअर्ट, बट ही इज नोवेयर नियर हिज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी के लिए खरीदा नहीं भी गया है. अब जो नया जो मेथड है मुंबई का, उसमें क्रिएटिविटी प्रोवाइड करेंगे बिपिन और लालेंजवाला छांगते. विंग से आपको चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे. इकेर विल बी मोस्ट प्रोबेबली फिनिशर और मिडफील्ड में बॉल होल्डिंग और कंट्रोलिंग का काम वो करेंगे. निखिल विल बी लैंडिंग टू मुंबई और बेंगलुरु. मुंबई आर द फेवरेट्स. ISL का जनवरी ट्रांसफर विंडो कल खत्म होगा क्या? यस, इट्स विल एंडिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टीम्स नहीं लेंगे. नो इकेर लेफ्ट गोवा फैमिली रीजन, वट एवर भाई, क्योंकि मुझे जो लगा मैंने कहा, कैन टोटली बी रॉन्ग. विद द साइनिंग ऑफ इकेर देयर इज अ फेयर चांस दैट मुंबई में यूज आयुष एज अ मेन स्ट्राइकर विद इकेर, नोगुएरा, यूएल एंड डिफेंडर. देखो भाई मैं फिर से बोलता हूँ, जॉर्जे पेरा डियाज इज प्लेइंग एनीवेज, सो जॉर्जे पेरा डियाज खेलेंगे एंड विथ हिम आप किसको खिलाओगे, वी विल हैव टू सी, बट एज ऑफ राइट नाउ कोई स्पेकुलेशन और मतलब नहीं बनता रचित. जॉर्जे पेरा डियाज इज एन एब्सोल्यूट स्टार्टर. व्हाट द फक इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड डूइंग इन ट्रांसफर मार्केट. सारे अच्छे प्लेयर्स को दूसरी टीम ले गई, एक गोलकीपर भी नहीं खरीद पाए. वी डोंट नो व्हाट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज कुकिंग, नॉट नेसेसरीली वेरी गुड, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई. वाई स्पेनिश प्लेयर्स कैन प्ले अंडर स्पेनिश कोचेस. ऐसा कोई बात नहीं है भाई. आई हैव सीन हवास के अंडर आर्नल्ड लिवर्ड, हवास के अंदर जोफ्रे मैथ्यू, बोरा फर्नांडिस प्लेड ब्रिलियंट फुटबॉल. स्पेनिश कोच के अंदर स्पेनिश प्लेयर अच्छे नहीं खेलते, ऐसा नहीं होता. चिंगलिंग साना सिंह को बेंगलुरु एफसी ने 2028-29 तक साइन किया है. यस आई नो इट्स अ 5-year डील. डियाज इज ऑल्सो गोइंग, डियाज इज ऑल्सो गोइंग, बट ये न्यूज तो मुझे कहीं नहीं मिला भाई. अगर डियाज इज ऑल्सो गोइंग देन भाई मुंबई का काम खत्म है. मुंबई आर इन सीरियस सीरियस ट्रबल्स. इकेर एएमएफ भी खेलता है. यस आई नो इकेर कैन प्ले एज अटैकिंग मिडफील्डर. इतना अच्छा प्लेयर को मुंबई सिटी भी छोड़ क्यों रहा है, को किसको? मुंबई किसी को छोड़ नहीं रहा, प्लेयर्स जा रहे हैं. इट्स नॉट दैट मुंबई आर टर्मिनेटिंग एनी प्लेयर. मुंबई विल लैक क्रिएटिविटी इन सेकंड हाफ द सीजन, बिग टाइम बिग टाइम. हुगो बूम एमसीबी साइन करने वाला है. नहीं 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 नहीं, दैट इज अ टोटली फेक न्यूज. मार्कस ने रिपोर्ट कर दिया है. मुंबई इज ऑलवेज पास द फैक्ट दैट लेसर मार्केट वैल्यू मुंबई इज लेसर देन केबीएफसी एंड एफसी गोवा. स्टिल दे हैव टॉप प्लेयर्स. यस यस दे हैव, दे आर, दे नो हाउ टू डू वर्क इन द मार्केट एज वेल. मुंबई के पास मुंबई मुंबई ने जब फाइनली जब बहुत बड़ा चेंज आया था, उन्होंने बेसिकली एफसी गोवा को लूट लिया था. डोंट गिव मी दिस, डोंट से दिस. जब फाइनली मुंबई सिटी एफसी का टेक ओवर हुआ था, पूरा पूरा जो कोर था गोवा का पूरे कोर को पकड़ के ले आए थे मुंबई. लेट्स नॉट लाई अबाउट दिस. मुर्तदा फॉल, हुगो बूमू, आमेद चाहू, मंदार राव देसाई. Let's not play this game here. Yes, Mumbai are very good with the scouting and I love the scouting. But Mumbai star players नहीं खरीदती, star बनाती है. ये KKR वाला dialogue मत दो. Mumbai buys enough star players. इस साल भी आकाश मिश्रा को खरीदा है. So ये मत बोलना. भाई उत्कर्ष मैं समझ सकता हूँ what are you trying to say. But fact है तुम जो बोल रहे हो कुछ हद तक सही है. गोवा को लूट किया है.
मुंबई ने, बट ये नहीं है कि मुंबई के पास स्काउटिंग नहीं, मुंबई ऐसा गुड एनफ स्काउटिंग, जीएफसी कुछ करने वाला है नहीं पेपरमिंट भाई, कुछ नहीं करने वाला। हाउ मेनी मोर साइनिंग्स इफ एफसी गॉट डू आई डोंट नो भाई, कल भी हो सकता है एक या दो साइनिंग, लेट्स सी। मुंबई एक्सपेक्टेड ऑन क्लोजिंग 3 इनकमिंग डील्स बाय टुमारो, जो भी होगा भाई कवर करूंगा। भाई केरला का ट्रांसफर मार्केट कैसा रेट करोगे भाई? क्या ही तो कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक प्लेयर आया है, सो दैट इज ओनली दे हैव बाइन बॉट सेनिच एंड दे हैव लेट 2 or 3 प्लेयर्स गो, दिस 7 out of 10। डियाज इज नॉट गोइंग इन दिस विंडो, ये मैं यही बोल रहा हूं, मुझे तो ये न्यूज नहीं मिला था कि भाई डियाज कहां जा रहा है। डियाज इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई सिटी आर लुकिंग फॉर 2 फॉरेन साइनिंग्स, वन इज एक्सपीरियंस इन इंडियन फुटबॉल एंड अनदर इज फ्रॉम साउथ अमेरिका। देखना पड़ेगा कौन होता है, जो भी होगा जरूर कवर करूंगा भाई। व्हाई इज इकेर नॉट इन एमएम सिस्टम, मनोलो मार्केस सिस्टम? भाई इकेर मनोलो मार्केस के सिस्टम में क्यों काम नहीं करेंगे, इसके बोलने के लिए एक पूरा शो लग जाएगा। सो आई एम नॉट प्लीज नॉट कवरिंग टुडे, क्योंकि मैं भी टायर्ड हुआ है, 35 मिनट्स तक मैं कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली वीडियो। यस यस अगेन मैंने वही कहा है, मेहताब फूरबा बिपिन, बिपिन स्पेशली, फूरबा ऑल्सो अनदर, मेहताब गुड एनफ डील एज वेल। As for Changte, Changte was not Mumbai City FC's find. Changte was not Mumbai City FC. वो पहले भी ISL खेलते थे। Bipin, Furba, Mehtab, yes, Mumbai can take credits, but Mumbai builds, Mumbai gives chances to young players. They are very good in terms of scouting, but they are not a team. They are not Mumbai Indians. They are not him. Why? Mumbai has bought enough star players. They have spent enough money and bought enough star players. Let's not lie about it. Is talking about Mumbai Indians and Mumbai City. यही लग रहा है भाई। भाई MB का अपडेट बताओ, कुछ अपडेट नहीं है, एक फॉरेन आने वाला है कल। सन्ना टू बेंगलुरु गुड मूव, एब्सोल्युटली। प्री मैच वीडियो करो ब्रो, गोवा वर्सेस हैदराबाद का भाई, किसी मैच का प्री मैच वीडियो नहीं होगा भाई, प्लीज प्लीज नो। कल मैं एक ट्रांसफर वीडियो और एक पोस्ट मैच वीडियो करने की कोशिश करूंगा इफ आई कैन। भाई आई एम टायर्ड राइट नाउ, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, आई नीड टू get some rest bhai, I am doing this show for 36 freaking minutes. Diaz is with the team, club posted his photo, and yes, he is staying. Replacement of Roxton is supposed to be from Asia, and hopefully they will be from Asia. All coaches are saying players who have been signed, Mumbai players are very good. Let's see bhai, jo bhi ho, Changte NFC ka kuch update hai? No bhai, mere paas koi update nahi hai, but Goa mein made Brandon Starr, yes, Goa made Brandon Starr without a doubt. जो भी हो भाई आज के लिए इतना ही भाई, मैं आज का चैनल में यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आम बैंड, टाटा। कल आऊंगा, आई विल कवर ऑल दोज न्यूज़।